नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दीप्त सिंह एकेडमी में। दोस्तों हम लाते हैं आपके लिए रोजगार और शिक्षा संबंधी ऑथेंटिक जानकारी। तो दोस्तों ये हमारा न्यूज बुलेटिन जो आधारित रहता है शिक्षा पर और रोजगार की जानकारी पर। दोस्तों कॉलेज से लेके जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए ये न्यूज बुलेटिन बहुत ही काम का है। तो दोस्तों प्लीज आप हमारा बने रहिए और देखिए अंत तक। आज हमारे पास है ट्वेल्थ के लिए, अति शिक्षकों के लिए, संविदा वर्ग के लिए, साथ एनआईएस डीएड के लिए भी जानकारी है। दोस्तों प्लीज बने रहना अंत तक हमारे साथ और देखिए हमारी कंप्लीट न्यूज। दोस्तों पटवारी की ज्वाइनिंग भी हम आपको बताएंगे कि पटवारी की ज्वाइनिंग का एक हमारे पास न्यूज आई है, लेकिन उससे पहले आपको खुशखबरी दे दें दोस्तों कि जो सातवां वेतनमान लग गया है उसका पहली किस्त, एरियर की पहली किस्त दोस्तों 1 मई 2018 को मिलेगी। दोस्तों ये है हमारा जो जानकारी पढ़कर सुना देता हूँ। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त 1 मई 2018 को मिलेगी। शनिवार को वित्त विभाग के इसके नियम जारी कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को एरियर की 3 समान किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त 1 मई 2018 को, दूसरी 1 मई 2019 को और तीसरी मई 2020 को मिलेगी। अब साल में 2 बार वेतन वृद्धि की जाएगी। हर सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी या 1 जुलाई होगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके बताइएगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं कि अब जो तिथि है 2 बार वृद्धि होगी, 1 जनवरी और 1 जुलाई हो सकती है, दोनों बार अलग अलग वृद्धि होगी। 1 मई को जो कर्मचारियों के लिए किस्त मिलेगी वो जिस कार्यालय में पदस्थ है वहीं कार्यालय में संपूर्ण अवधि के वेतन की एरियर की गणना करेगा। तो जहां पर अभी करंट में है आपको वहां पर उसकी गणना होगी। दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि थी सातवें वेतनमान आयोग के लिए। दूसरी दोस्तों हम बता रहे आपको पटवारी की ज्वाइनिंग को लेकर जो खबरें चल रही थी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन हम आपको केवल काम की चीज बताएंगे इसमें से कि ये यहाँ पर पटवारी की नियुक्ति के लिए बात कहे जाने पर सरकारी जो महकमे से हमारे पास खबर आई है वो ये है कि पटवारियों को जिले में 1 मई से 6 माह के लिए प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। ट्रेनिंग लेने के बाद पटवारी अपना अपना काम संभाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो है उम्मीद है कि 1 मई से, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 मई से 6 माह के लिए प्रशिक्षण शुरू होने वाला है पटवारियों के लिए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों अभी कयास लगाया जा रहा था कि कब से पटवारी की ट्रेनिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि 1 मई से पटवारी की ज्वाइनिंग, पटवारी की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जो अप्रैल का महीना है इसमें सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें कि आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन दोस्तों डेट अभी तक नहीं आई है, तो 1 मई से कैसे ट्रेनिंग शुरू होगी इसके लिए हमको देखना है। अगर कोई भी नई जानकारी आपको हमको प्राप्त होती है दोस्तों तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से दे देंगे। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो है 12वीं के छात्रों के लिए। तो दोस्तों 12वीं के छात्रों की जो परीक्षा परिणाम आने वाला है, तो दोस्तों देखिए ये न्यूज़ की कटिंग हमारे पास कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जो है 15 मई तक आ जाएगा। दोस्तों 15 मई तक कैसे आएगा उसके लिए हम बता दें आपको, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की जो परीक्षाएं कॉपियां जाती जा रही थी, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का मूल्यांकन 60% पूरा हो गया है, यानी कि 60% कॉपियां जा दी गई हैं। अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 12 से 15 मई के बीच दोनों कक्षाओं का परिणाम एक साथ देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों एक बड़ी बात ये भी है कि 12वीं और 10वीं दोनों का परीक्षा परिणाम एक साथ आएगा इस बार, जो कि 15 मई के आसपास तक आ जाएगा। 5 बेस सिस्टम में रिजल्ट हाई स्कूल परीक्षा परिणाम अच्छा परिणाम जताया जा रहा है, कि आशंका जताई जा रही है कि अच्छा परिणाम आएगा इस बार, क्योंकि 5 बेस सिस्टम लागू किया गया है। ये दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, 5 बेस सिस्टम लागू होने के कारण हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में सुधार की आशंका जताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों ये कंप्लीट रिपोर्ट है कि 60% मूल्यांकन हो चुका है, तो बाकी का मूल्यांकन बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और ये रिजल्ट जो है 15 तारीख के आसपास। तो ये खुशखबरी है दोस्तों हमारे 12th के भाइयों बहनों के लिए कि जो बहुत जल्द ये रिजल्ट देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों सबके लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों अगली खबर जो है हमारे पास वो है प्रमोशन से संबंधित। दोस्तों बिना प्रमोशन के जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बता देता हूं, पहले सीएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमोशन का मामला विचाराधीन होने के कारण कई कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए हैं। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि उन्हें पदोन्नति का लाभ किस प्रकार से मिले। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय केंद्र के समान डीए लेने के लिए भी कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब यह केंद्र निर्णय लिया कि जब भी केंद्र डीए बढ़ाएगा सरकार उसी के अनुसार डीए बढ़ा देगी, तो इसके लिए कोई आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, स्टूडेंट्स हों चाहे सरकारी कर्मचारी हों चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हों, दोस्तों हमारा चैनल आपके लिए लाएगा ऑथेंटिक और सही खबरें। और दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी भी हमारे चैनल पर होती है, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स
सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं दोस्तों, प्लीज उनको देखें। जय हिंद, जय भारत, प्लीज वीडियो शेयर करें। सरकारी नौकरी की तैयारी और एजुकेशन की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।